लोग लिख रहे थे मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। मुझे गर्व है कि उस दौरान सबने चौकीदार लगाया था ना, तो मैंने अपने नाम के आगे समझदार लगाया था। तो हमें चौकीदार नहीं बनना, समझदार बनना है। नारा था कहो दिल से मोदी फिर से, लेकिन ये अधूरा नारा था। आगे की लाइन थी कहो दिल से मोदी फिर से मूर्ख बना रहा है, कहो दिल से मोदी फिर से तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है, कहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी, मैं हूं आपके साथ। फिर साथ 2024 लोकसभा चुनाव की लड़ाई एक बार फिर से परिवारवाद वर्सेस पीएम मोदी के परिवार पर आ गई। अक्सर पीएम मोदी विपक्ष पर हमला करते हैं कि विपक्ष में परिवारवाद है, तो एक बार फिर से पलटवार करते हुए लालू यादव ने परिवार पूछ लिया पीएम मोदी का। उसके बाद सियासत में एक मुहिम छिड़ चुकी है, मैं हूं मोदी का परिवार। ऐसे में जनता के बीच हाजिर और जनता से जान लेते हैं कि पीएम मोदी के परिवार की मुहिम कितनी सफल होने वाली है, और क्या विपक्ष जब जब हमले करता है पीएम मोदी पर तब तब विपक्ष को मुंह के बल खानी पड़ती है। बातचीत कर लेते हैं, मेरे तमाम लोग जुड़ चुके हैं, चर्चा करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। सर, पीएम मोदी के परिवार को लेकर क्या क्या सोचते हैं आप, क्योंकि लालू यादव तो तंज कस रहे हैं और उसके बाद देखिए मुहिम छुट चुकी है कि मैं हूँ मोदी का परिवार। देखो, मोदी का परिवार कौन लगा रहा है, सुनो ये तो बात सच है कि मोदी के पास ना परिवार है ना परिवार का दर्द है। अगर होता तो देश की जनता इतनी त्राही त्राही ना कर रही होती। तो ये समझने की बात है, जैसे ही मोदी जी पे ये तंज कसा गया कि तुम अपना परिवार गिनाओ, परिवार का टैग लगाया किसने, अमित शाह ने, मोदी का परिवार, जेपी नड्डा ने, मोदी का परिवार, और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने, मोदी का परिवार। यही तो हम कह रहे हैं कि मोदी का परिवार है कौन, जो उच्च घराने के लोग हैं, ठीक है। अंग्रेजों का परिवार भी वही था, जनसाधारण वर्ग के लोग नहीं थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, कैथोलिक चर्च के उच्च पादरी थे। मोदी का परिवार कौन है भाई, बड़े बड़े नेता। किसी गरीब ने अपनी एक्स प्रोफाइल पे लिखा क्या मोदी का परिवार, किसी गरीब जनता ने लिखा क्या मोदी का परिवार, और मोदी के अपने परिवार के लोगों ने भी लिखा क्या मोदी का परिवार। प्रहलाद मोदी ने लिखा, जो नरेंद्र मोदी के भाई हैं, उन्होंने लिखा मोदी का परिवार। यानी अपने परिवार के लोग उसे परिवार नहीं मानते, बाहर वाले कहते हैं मैं मोदी का परिवार। अगर वास्तव में मोदी जी देश को अपना परिवार समझते, कहा ना 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है, तो जब देश में मॉब लिंचिंग हो रही थी हिंदू मुसलमान के नाम पर, तब मोदी जी ने एक भाषण क्यों नहीं दिया। जब देश में किसान 700 किसान मर गए, तो मोदी जी ने क्या किया उस परिवार के लिए। मणिपुर में नग्न महिलाएं सड़कों पर दौड़ाएगी, मोदी जी ने क्या किया। हाथरस में बेटी जिंदा जलाएगी, मोदी जी ने क्या किया परिवार के लिए। तो कैसा मोदी जी का परिवार, जिसके परिवार खाली तो गए हैं पीएम मोदी। देखिए, महिलाओं को आश्वासन भी देकर आए हैं कि हम आपके साथ हैं, ये है मोदी का परिवार। संदेश खाली इसलिए गए क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुसलमान का एंगल सीधा होता है, हाथरस में नहीं हो रहा था सीधा, तो नहीं गए और खुद भी नहीं गए, जाने भी नहीं दिया किसी को। ठीक, जिस दिन इस देश में हर एक घटना को घटना की नजर से देखा जाएगा, हिंदू मुसलमान के नजरिए से अलग रखा जाएगा, तब देश में परिवार की बात करना। तो क्या परिवार भी ऐसे तय होगा कि किससे चुनावी फायदा मिल रहा है और किससे नहीं मिल रहा? बिल्कुल ऐसे ही तय होता है। मोदी जी चुनावी राजा है, मेरा झूठ सबसे मजबूत, इलेक्शन के अकॉर्डिंग परिवार बन रहा है भाई। लोग जब एक मोदी जी को कहा था चौकीदार चोर है, तो ये तो इनके पास तरीका है कि अपनी चोरी कैसे ढकी जाए, अपने गलत संदेश को कैसे पॉजिटिव संदेश में बदला जाए। वक्तव्य को तो सेंसा है, वो बात ही तो करी है, उन्होंने भाषण ही तो दिया है। लोग लिख रहे थे मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। मुझे गर्व है कि उस दौरान सबने चौकीदार लगाया था ना, तो मैंने अपने नाम के आगे समझदार लगाया था। तो हमें चौकीदार नहीं बनना, समझदार बनना है। लेकिन यहाँ पे ये भी तो समझ रहा होगा, जब पीएम मोदी ब्रांड बन चुके हैं तो बार बार विपक्ष उन पर निजी हमले क्यों करता है, देश उसका जवाब दे देता है। 24 में चुनाव नजदीक आ रहा है, पीएम मोदी कह रहे हैं कि अब ये मेरा परिवार ही बताएगा विपक्ष को। ये भी देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री ब्रांड बन के घूम रहा है, वो प्रधानमंत्री बन जाता भाई। एक बात बताओ, मैंने क्या कहा, अंग्रेजों ने भारत पे 200 साल राज किया, लेकिन भारतीयों के दिलों पे राज नहीं किया। व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष के प्रधानमंत्री बन के रह गए, आज भी लोग एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। ठीक, ऐसा थोड़ी है। जिस दिन हर एक व्यक्ति भाई, इतना मैं कह रहा हूँ, जितने लोग वोट देते हैं भारत में मोदी जी को, उससे ज्यादा उनके विरोध में वोट पड़ रहे हैं, ये भी तो सच्चाई है। वो अलग बात है, विरोध के वोट बटे हुए हैं अलग अलग पार्टियों में, लेकिन विरोध में ज्यादा वोट हैं। तो मोदी जी कैसे ब्रांड बन सकते हैं? अगर देश में ब्रांड बनना ही था, देश की गरीबी दूर करो, किसी भी देश के विकसित होने की पहली कंडीशन है देश का शिक्षित होना। लोग प्राउड कर रहे हैं हिंदू सौरभ, हिंदू शुक्ला, ठीक है, फलाना ब्राह्मण। जिस दिन इस देश के लोग अपने नाम के आगे शिक्षित लगाना चालू करेंगे ना, सही जा रहे हो, उस दिन इस देश में तरक्की होगी। लगाओ ना शिक्षित अभिषेक, शिक्षित मुकेश, क्यों लगा रहे हो मुकेश हिंदू, हिंदू मुकेश, क्या जरूरत है इस देश में हिंदू मुसलमान की डिबेट की। देश एजुकेशन पे बात करे, देश हॉस्पिटलिटी पे बात करे, नितिन गडकरी का बहुत बड़ा क्लेम है कि भाई सड़कें बना दी हैं,
एक भी सड़क का उद्घाटन, हाईवे का उद्घाटन किया हो मोदी जी ने और क्रेडिट दिया हो कि नितिन गडकरी ने बहुत अच्छा काम कर लिया। दिखाओ मुझे किसी भी सड़क पे नितिन गडकरी की फोटो, दिखाओ मुझे, नहीं है ना। मतलब राजशाही चल रही है, एक आदमी राजा बनने की कोशिश कर रहा है और जनता ताली ठोक रही है, वाह मोदी जी वाह। यही दुर्भाग्य है देश में, जनता की जय होती है, जनता प्रधान होती है, जनता से बड़ा कुछ नहीं। इस देश की जनता ब्रांड है, कोई नेता ब्रांड नहीं हो सकता। ये जो मुद्दे हैं असल वो चर्चा में आ नहीं पाते, लेकिन हर हमला मुद्दा बना देते हैं पीएम मोदी। देखिए अब इसी को बड़ा मुद्दा बना दिया, तमाम मीडिया इसी मुद्दे पर चर्चा कर रही है। यही भी दुर्भाग्य है कि भाई मोदी का परिवार वास्तव में, एक कहते हैं ना झूठ, झूठ तीन प्रकार के हैं, एक होता झूठ, एक होता सफेद झूठ और तीसरा होता आंकड़े। ठीक, तो जो झूठ है वो तो उनके समर्थक बोल दो मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी ऑन स्टेज से टंकी की चोट पे झूठ बोलते हैं, और उनका जो समर्थक है मोदी भक्त है, गोबर भक्त है, अंध भक्त है, ठीक, वो सफेद झूठ बोलता है। यानी जो पिताजी ने नहीं कहा, यानी मोदी जी ने नहीं कहा, मोदी भक्त वो भी कहेगा कि ये हो गया, यानी वो झूठ बोलेगा जो आसानी से पकड़ा जाए, इसलिए उसे मोदी भक्त और अंध भक्त कहते हैं। ठीक, और तीसरा झूठ उनकी मिनिस्ट्री कहती है, आंकड़े। आंकड़े क्या होते हैं, आप कोई भी व्यापार शुरू करने जाओ आप कैलकुलेशन लगाना कि मैं 5 लाख का काम करूंगा, 10 लाख कमाऊंगा, ऐसा ऐसा होगा, और कभी भी वो वास्तविकता में नहीं बदलते। तो मोदी जी हमेशा कहते हैं 47 तक ये हो जाएगा, 22 तक ये हो जाएगा। अबे तुम 19 तक चुने गए हो, 19 तक का टाइम मिला था, क्या क्या वो बताओ, क्या हो जाएगा वो मत बताओ, 24 तक की उपलब्धियां बताओ। तुम 24 में बात करो, 47 में विकसित बना देंगे। मैं अमित शाह एक भाषण में कह रहे हैं, हो सकता है 47 तक हम जिंदा ना रहे, लेकिन ऐसा भारत दे के जाएंगे। अरे जब तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो कैसे दे दोगे भाई तुम। ठीक, तुम आज की बात करो, तुम्हें 5 साल मिले, 5 साल का विजन दिखाओ। मोदी जी ने कहा था 2022 तक देश में 75 करोड़ लोगों को घर देना है, दे दिया क्या? हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया क्या? ठीक है, मोदी जी ने कहा था विकसित भारत, उस टाइम भी कहा था स्वच्छ भारत, स्वच्छता का हल, देश स्वच्छ हो गया क्या? नारों पर यार 2014 से लेकर 2024 तक देखिए कई नारे दे दिए गए, अच्छे दिन आएंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है, मोदी की गारंटी। और अब सबसे बढ़ चढ़कर नारा दिया जा रहा है मोदी का परिवार। आपको नहीं लगता बीजेपी हमेशा नारों की जगह ही खेल जाती है, चुनाव जीत जाती है? नारे का अपना मतलब है, थोड़ी देर में समझ में आता। एक नारा था कहो दिल से मोदी फिर से, लेकिन ये अधूरा नारा था, आगे की लाइन थी कहो दिल से मोदी फिर से मूर्ख बना रहा है, कहो दिल से मोदी फिर से तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है, कहो दिल से मोदी फिर से देश में हिंदू मुसलमान ला रहा है, कहो दिल से मोदी फिर से देश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा रहा है, कहो दिल से मोदी फिर से बिना काम किए बातों में उलझा रहा है। एक रियलिटी यही है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वाला कल भी रिश्वत खाता था, आज भी खाता है, लुक गया रिश्वत। झगड़ा हुआ हिंदू मुस्लिम, झगड़ा कहाँ हुआ था साल में? नहीं हुआ, कहाँ हुआ? यूपी के हर क्षेत्र में होता है, नू में चले जाओ, जाकर के देख लो, अभी आपको पता ही नहीं है कहाँ झगड़ा हुआ, मेरठ में हुआ, हर रोज होता है छोटा मोटा तो, और नॉर्मल झगड़ा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बन जाता है नॉर्मल। अगर मैं बताता हूँ, सुनो, मैं झगड़ा तुम बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ, दो लड़के थे, एक का नाम था सलीम पासा और एक का नाम था वरिंदर, सुंदरदीप कॉलेज गाजियाबाद दासना के अंदर दोनों पढ़ते थे, BA LLB के छात्र थे, ठीक, और दोनों मेरे कैंडिडेट थे, दोनों का झगड़ा हुआ एक नॉर्मल सी बात पर, और वो झगड़े में एक बंदे ने बजरंग दल के लोगों को बुला लिया, ठीक है, और फिर उनके बीच में झगड़ा हो गया हिंदू मुसलमान का, दो लड़कों का झगड़ा, पूरी कम्युनिटी का झगड़ा हो गया, रात भर कर्फ्यू लगा रहा हमारे यहाँ, कौन कह रहा दंगा नहीं हुआ, और थाना मैनेज हुआ, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू रक्षा दल के लोगों ने थाने में जाके नारे लगाए, बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं, पूरा थाना मैनेज हुआ, कार्यवाही एक पक्ष पे हुई दूसरे पक्ष पे नहीं हुई, ठीक है, राजनीति के अभाव में, ठीक है। और वो बंदा अभी सलीम पासा जेल का, ठीक है, सरकार तो नारा दे रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सर सरकार तो नारा दे रही है ना कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यही नारा बार बार दिया जा रहा है। वो सबका साथ जो है, वो कहते हैं ना मोदी जी, आप लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन था, मोदी जी के 10 साल कैसे रहे? मोदी जी के 10 साल मौज में कटे हैं, मोदी जी के शासन में जनता के 10 साल बेहाल है भाई साहब, ठीक है, जनता त्राही त्राही कर रही है और मोदी को नाही नाही कर रही है, ठीक है, जनता त्रासदी में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ किसी भी बंदे को वोट देना है वो कुछ भी करे,
वोट देते वक्त घर के सिलेंडर की तरफ निगाह मारे, वोट देते वक्त घर की लिवलीहुड बेसिक जरूरतों की तरफ निगाह मारे, वोट देते वक्त अपने मोहल्ले के अस्पताल की तरफ निगाह मारे। मैं कह रहा हूँ यूपी के लोगों को तो अपने मोहल्ले में अस्पताल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अपने नजदीकी इंटर कॉलेज पर निगाह मारे, अपने नजदीकी किसी भी लोकल से लोकल चीज जो बेसिक चीज है, रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, इससे संबंधित किसी भी चीज पर निगाह मारे। और अगर काम हुआ हो, तरक्की हुई हो तो बीजेपी को वोट दे दो, और काम नहीं हुआ हो तो मत दो। सीधी बात, विकास के नाम पर ही देखिए सरकार हुकार बन रही है 400 के पार। विकास हुआ तभी तो सरकार कह रही है कि 400 पार इस बार जीत जाएंगे। देखिए 400 के पार जाएगा डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट 400 के पार जाएगा, चीनी का रेट, दाल का रेट, दूध का रेट, वो कह रहे 400 के पार जाएगा सबका रेट। लेकिन ये अंधभक्त जो हैं, इन्हें नहीं पता चल, वो कह रहे 400 के पार, ये सीटें समझ रहे, वो कह रहे रेट के 400 के पार जाएंगे। तो रेट की बात, 400 के पार की तो ये कहानी है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। क्यों बदलने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि अगर काम किया हुआ होता तो प्रत्याशी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना दिल्ली में ना कहीं पे भी। तो आप ये समझ के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरी तरीके से इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। तो आप ये मान के चलिए, मैं आपसे छोटी सी टिप्पणी ले रही हूँ सर। पीएम मोदी का परिवार हैशटैग चल रहा है और यही मुहिम मनाई जा रही है 2024 के चुनाव को देखिए। मैं बता दूं, पीएम मोदी का परिवार है ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये बीजेपी का, ये मोदी जी का परिवार है, ये ललित मोदी जो भाग जो जो परिवार है, अरे जो भाग गए वो उनका परिवार है मोदी जी का। तो आप ये बात के समझ के चलिए, उसका परिवार नहीं था एक्चुअली। मैं क्या बोल रहा हूँ मैम, ठीक है, वो कह रहे हैं कि मोदी का परिवार देश की जनता है, ठीक है, आप यही कह रहे हैं ना, ठीक है, मोदी का परिवार तो देश की जनता है, जनता के लिए वो सेवक बन गए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए मोदी जी का परिवार जो था वो गुजरात का था, जो जितने बिजनेसमैन थे वो परिवार है, उनका उनका परिवार जो है और कोई नहीं है, ये जनता कहीं नहीं है उनका परिवार में। और बहुत धन्यवाद, जनता के साथ जुड़ी थी, जनता से जान रही थी कि पीएम मोदी के परिवार को लेकर जनता की राय क्या है और जनता जो सोच रही है क्या, वही 2024 का निर्णय होगा। क्योंकि लड़ाई अब मुद्दों से हटकर पीएम मोदी के परिवार पर आ चुकी है, एक तरफ विपक्षी परिवार जिसको लेकर कहा जा रहा है कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है, एक तरफ पीएम मोदी का परिवार जो कह रहे हैं कि देश की जनता मेरी परिवार।